न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। बात करते हैं खरगोन और बड़वानी जिले की बड़ी खबरों पर। खसरावत नगर में महिला सामान्य सीट आने पर नगर परिषद चुनाव में भाजपा की ओर से अध्यक्ष पद के लिए दावेदारों के नाम सामने आने भी लग गए हैं, जिसमें पहला नाम साधना राजेश बडोले, जो कि भाजपा के दिग्गज कद्दावर नेता माने जाते हैं। वहीं साधना बडोले भाजपा की जिला उपाध्यक्ष पद पर भी रही है। दूसरा नाम प्रतिभा संजय पटवा सोशल मीडिया पर जोरों शोरों के साथ चल रहा है। वर्तमान में संजय पटवा कसरावद नगर परिषद में पार्षद है। वहीं तीसरा नाम भाजपा की ओर से कसरावद नगर के सर्वश्रेष्ठ समाज सेवी रेखा हेमंत सोनी का नाम भी जोरों शोरों से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। चौथा नाम कसरावद नगर विकास पुरुष के नाम से माने जाने वाले सुरेंद्र मामा पचोटिया के सुपुत्र की पत्नी रंजना मितेश पाटीदार पचोटिया भी भाजपा की ओर से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से जमीनी दिग्गज उम्मीदवारों से भी संपर्क करना चाहा, लेकिन वहां पर स्थिति साफ होने में अभी वक्त लगेगा। अब देखना यह होगा कि जो चार दावेदार कसरावत में सामने आ रहे हैं, किसको इनमें से टिकट भाजपा देगी ये देखना बाकी होगा। वहीं कांग्रेस की तरफ से स्थिति साफ होने में अभी वक्त लगेगा। वहीं दूसरी खबर भी आ रही है खंडवा जिले के ओंकारेश्वर से, जहां पर नगर परिषद ओंकारेश्वर के वार्ड क्रमांक 4 में विशालकाय वृक्ष गिरने से बाल बाल बचा परिवार। परिवार के सदस्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के 2 दिन पहले ही निकाय को दी थी सूचना, लेकिन निकाय की लापरवाही से आज ये वृक्ष गिर गया जिसमें हम बाल बाल बचे। ओंकारेश्वर में सीएमओ के अभाव में टूटी फूटी सेवाएं चल रही है। कलेक्टर खंडवा के निर्देश पर वर्तमान सीएमओ मोनिका पाघरी खंडवा से प्रतिदिन आकर अपनी सेवाएं दे रही है। अवकाश होने के कारण मोबाइल से चर्चा भी नहीं हो पाई। नगर परिषद अध्यक्ष अंतर सिंह बारे ने कहा कि पीड़ित परिवार के लिए मांगलिक भवन में व्यवस्था कर झाड़ हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर तहसीलदार उदय मंडलोई पटवारी ने अवलोकन कर कार्रवाई की। चारे, मेरा नाम ज्योति आयरवाल है। लीम का पेड़ था, मेरे घर के ऊपर गिर गया। ये 4 बजे रात की घटना है। ये इसको नगर पंचायत में हमने अध्यक्ष को आवेदन दिया था, 4 महीने पहले भी दिया था, 6 महीने पहले बताया भी था, अभी 4 रोज पहले मैं खुद बताई थी उसको और बोला भी था कि ये 4 दिन के अंदर गिर सकता है, तो बोले कि मैं कोशिश करूंगी। उन्होंने बोला कि ऐसा करते हुए घटना हमारे पे, 6 लोग हम उसमें नीचे थे, पेड़ के नीचे सोए हुए थे और जितने घर का नुकसान भी बहुत हुआ हमारा। लगभग तहसीलदार साहब आए थे, पटवारी साहब आए थे, वो देख के चले गए। लिखा पढ़ी करी थी थोड़ी, उन्हें नुकसान बताया कि कितना नुकसान है, हमारा 1 लाख के आसपास हुआ है और थोड़ी भी जानकारी दी है। अब देख ले शासन के द्वारा जो भी हमें मिले शासन को, ये है कुछ नहीं है हमारे पास। अभी शासन को बोला रहने की व्यवस्था दो हमको, वो बोल रहे की कोशिश कर रहे हैं हम। वही अब बात करते हैं खरगोन और बड़वानी जिले के कोरोना बुलेटिन के। पहले बात करते हैं बड़वानी की, जहां पर आज मौत का आंकड़ा बढ़ा है। जी हां, अब 21 से अब 22 लोगों की मौत पूरे जिले में हो चुकी है। आंकड़ा भी बढ़ा है। जी हां, 17 लोगों की आज पूरे जिले में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। आंकड़ा बढ़कर 2494 पहुंच चुका है। वहीं अब तक पूरे जिले में 22 लोगों की मौत हो चुकी है, 2381 लोगों का उपचार हो चुका है। वहीं 91 लोगों का उपचार बड़वानी, सेंधवा और इंदौर के अस्पतालों में जारी है। आज कुल 17 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा खेतिया में महाराष्ट्र से लगा हुआ क्षेत्र खेतिया में 7 लोग एक साथ संक्रमित पाए गए हैं। निवाली में 3, अंजड़ में 2, मंडवाड़ा, रेउजा, कुसमारी, जोगवाड़ा और बड़वानी में इन सभी जगह एक एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं।
तो आंकड़ा बढ़कर 2494 यानी कि 2500 के करीब आंकड़ा पहुंचने वाला है। वहीं खरगोन जिले की अगर बात करें तो खरगोन जिले में भी आंकड़ा 4600 यानी कि 4600 के पार पहुंच चुका है। वहीं नए संक्रमित इसमें आज कुल 25 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, आंकड़ा बढ़कर 4617 पहुंच चुका है। वहीं अब तक पूरे जिले में 4391 लोगों का उपचार हो चुका है, 83 लोगों की अब तक पूरे जिले में मौत हो चुकी है, वहीं 143 लोगों का उपचार चल रहा है। कसरावत से न्यूज लीडर्स के लिए अबरार पठान, ओमकारेश्वर से ललित दुबे, खरगोन से न्यूज लीडर्स के लिए वाहिद खान की रिपोर्ट। तो बने रहिए न्यूज लीडर्स के साथ।